बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है, ये स्लोगन उस वक्त चर्चा में था जब बिहार में 2015 में तीसरी बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन प्रदेश के मुखिया इसमें पूरी तरह से फेल रहे, नाकाम रहे। आप खुद देखिए, जिस राज्य की विशेष दर्जे की वो बात करते हैं, उस राज्य में मासूम बच्चे किस तरह दो वक्त की रोटी के लिए कूड़े कचरे के लगे अंबार में अपनी जिंदगी संवारने को मजबूर हैं। हालांकि नीतीश कुमार बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर संतोष जताते हुए कहते हैं कि बिहार में अब कोई बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा, वहीं इन बच्चों को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि इन बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इन बेचारे मासूमों की बस इतनी सी गलती है कि ये बच्चे गरीब परिवार में जन्मे हैं, जिस कारण इन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कूड़ा उठाना पड़ता है। वहीं जब बच्चों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वो मजबूरी में कूड़ा बीनने का काम करते हैं। बच्चों ने मायूसी भरे शब्दों में कहा कि उनके अच्छे दिन नहीं आएंगे। एक स्लोगन चला था बिहार है बहुत तेजी से, बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है। तो हमको लगता है कि ये जो स्लोगन चला था ये बिल्कुल जो है गलत था। बिहार में बाहर नहीं है, बिहार में तबाही है। और ये जो मंजर है, नीतीश कुमार जी जरा आंखें खोलिए और गौर से देखिए इन बच्चों को और बताइए, ये कूड़े कचरे में जो है अपनी ज़िंदगी तलाश रहे हैं। जिस तरह से आप शिक्षा के ऊपर दावे करते हैं कि हर बच्चे जो है आंगनबाड़ी में और स्कूल में जो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये बच्चे जो है ये कह रहे हैं कि हम पढ़ने नहीं जाते हैं, अगर पढ़ने जाएंगे तो हमारा घर का खर्चा कौन चलाएगा। ये वो बच्चे हैं जो कचरे में जो है अपनी ज़िंदगी संवार रहे हैं। आप आंखें खोलिए और गौर से देखिए इन बच्चों को, हम इनसे ही पूछेंगे ये कचरे में क्या कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हो बाबू? यहाँ पे कचरे बीन रहे सर। क्या के लिए कचरा बीन रहे हो? कमाने के लिए। बहुत गंदगी है, बदबू दे रहा है। बदबू दे रहा है आपको लग रहा है? मेरी को घर के खर्ची नहीं चलती है सर। अरे बीमारी फैला हुआ, बहुत तेजी से बीमारी फैला हुआ, लोग मास्क पहन के चल रहे हैं, तुम इस गंदगी में कचरा में क्या कर रहे हो? हम जब मास्क पहन के चलेंगे तो घर के खर्ची नहीं चलती है कि अच्छे दिन आएंगे, सब स्कूल जा रहे हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? घर का खर्चा कौन चलाएगा, भूखे मर जाएंगे हम लोग। ये बच्चे बता रहे हैं कि घर का खर्चा कौन चलाएगा, अगर नहीं जाएंगे स्कूल, अगर जाएंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। हालांकि ये जो मंजर आप देख रहे हैं, ये आरा बक्सर बड़का गांव का ये जो रोड है, ये काफ़ी ये टर्निंग का एरिया है और यहाँ पे गंदगी इतनी रहती है कि लोग जब भी आते जाते रहते हैं तो चेहरे नाक पे जो है मास्क पहनते हैं ताकि बदबू ना आए। ऐसे में जो नगर निगम भी एक तरफ की उसका देखा जाए कि शहर का सारा कचरा जो है ये शहर के बाहर ला करके फेंक देती है। रोज़ाना इस रास्ते से जो है हज़ारों की संख्या में लोग आते जाते हैं और नाक बंद करके जाते हैं ताकि बदबू से उन्हें परेशानी ना। हालांकि ये नीतीश कुमार जिस तरह से दावे करती है कि बिहार में बच्चों को जो है शिक्षा दी जा रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि ये बच्चे जो है कूड़े कचरे में अपनी ज़िंदगी संवार रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जो दावे हैं, बिहार में अभी विधानसभा चुनाव होना है और सरकार को ये चाहिए कि ये बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। अगर आपको कुर्सी बचानी है तो इन बच्चों के ऊपर भी, जो आप राजनीति करते हैं जात पात की राजनीति करते हैं, इनके ऊपर भी आपको खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है। राकेश कुमार, पंजाब केसरी, भोजपुर।